आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति की सबसे फेमस हैचबैक कार्स में से एक न्यू स्विफ्ट 2021 को, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल अभी 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था। और इस कंपैरिजन में दूसरी तरफ है निसान की कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट, जिसको कंपनी ने लास्ट ईयर 2020 में लॉन्च किया गया था और जिसको आते ही मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। मतलब हमारे इस कंपैरिजन में दो अलग अलग सेगमेंट की कार्स का कंपैरिजन है। एक तरफ है हैचबैक कार, जबकि दूसरी तरफ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी। लेकिन इन दोनों ही कार्स के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स में से कहे जाने वाले VXI और XL, मतलब स्विफ्ट के VXI वेरिएंट को देखें और मैग्नाइट के XL वेरिएंट को देखें, तो प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इन दोनों के अंदर केवल 4000 का डिफरेंस है। जहां स्विफ्ट VXI का एक्सशोरूम वैल्यू है 636,000, वहीं निसान XL की एक्सशोरूम वैल्यू है 632,000। इतने कम प्राइसिंग डिफरेंस होने के कारण इन दोनों कार्स का कंपैरिजन तो ज़रूर बनता है। तो आइए कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इन दोनों कार्स के डाइमेंशंस को देखते हैं। लेंथ के हिसाब से देखें तो स्विफ्ट की लेंथ है 3845 mm, जबकि मैग्नाइट की 3994 mm। मतलब लेंथ में मैग्नाइट 149 mm ज़्यादा लंबी है। वेथ के हिसाब से स्विफ्ट है 1735 mm, जबकि मैग्नाइट 1758 mm। मतलब मैग्नाइट 23 mm ज़्यादा चौड़ी है। इन दोनों कार्स की हाइट को देखें तो स्विफ्ट की हाइट है 1530 mm, जबकि मैग्नाइट की 1572 mm। हाइट में मैग्नाइट 42 mm ज़्यादा ऊंची है। व्हील बेस को कंपेयर करें तो स्विफ्ट अपने पैसेंजर्स को 2450 mm का व्हील बेस ऑफर करती है, जबकि मैग्नाइट 2500। मतलब पैसेंजर्स के लिए मैग्नाइट में 50 mm ज़्यादा अच्छा स्पेस ऑफर होता है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो निसान मैग्नाइट ग्राउंड क्लीयरेंस में काफ़ी आगे है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। स्विफ्ट का ग्राउंड क्लीयरेंस है 163 mm, जबकि निसान मैग्नाइट का 205 mm। मतलब 42 mm ज़्यादा स्विफ्ट के कंपैरिजन में। बूट स्पेस की बात करें तो स्विफ्ट की बूट स्पेस कैपेसिटी है 268 liters की, जबकि मैग्नाइट की 336 liters। मतलब 68 liters ज़्यादा स्विफ्ट के कंपैरिजन में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो स्विफ्ट की कैपेसिटी है 37 liters, जबकि मैग्नाइट की 40 liters। इंजन स्पेसिफिकेशंस और उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो स्विफ्ट में 1197cc का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन यूज़ किया जाता है, जबकि मैग्नाइट में 999cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पावर आउटपुट की बात करें तो स्विफ्ट में 89 bhp की पावर जनरेट होती है, जबकि मैग्नाइट में 71 bhp की। मतलब स्विफ्ट से 18 bhp कम। टॉर्क के हिसाब से देखें तो स्विफ्ट के अंदर 113 Nm का टॉर्क जनरेट होता है मैक्सिमम, जबकि मैग्नाइट में 96 Nm का। मतलब 17 Nm कम स्विफ्ट के कंपैरिजन में। और इन दोनों कार्स के माइलेज को कंपेयर करें तो स्विफ्ट के मैनुअल ट्रांसमिशन में 23.20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जबकि मैग्नाइट के केस में 18.75 kmpl का। मतलब स्विफ्ट 4.45 kmpl का एक्स्ट्रा माइलेज क्लेम करती है। दोनों कार के इंटीरियर के कलर को देखें तो स्विफ्ट में ब्लैक कलर का इंटीरियर है, जबकि मैग्नाइट में लाइट ग्रे कलर का। सेफ्टी रेटिंग्स, लेटेस्ट NCAP क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट को देखें तो मारुति स्विफ्ट की सेफ्टी रेटिंग्स है 2 stars और निसान मैग्नाइट की सेफ्टी रेटिंग्स है 4 stars। मतलब निसान मैग्नाइट में ज़्यादा बेटर सेफ्टी रेटिंग्स हैं स्विफ्ट के कंपैरिजन में। आइए अब इन दोनों कार्स के फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम इस कंपैरिजन में इन दोनों कार्स के काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कहे जाने वाले वेरिएंट, जो कि स्विफ्ट का VXI वेरिएंट है, जो कि बेस वेरिएंट से ऊपर वाला वेरिएंट है, और मैग्नाइट का XL वेरिएंट है, जो कि बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो फीचर्स में सबसे पहले हम उन इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं जो कि दोनों कार्स में कॉमन है। तो स्विफ्ट VXI और मैग्नाइट XL के कॉमन फीचर्स हैं डबल एयर बैग्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, ABS एंड EBD, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर। और अब इन दोनों कार्स के यूनिक फीचर्स की बात करें तो मतलब ऐसे फीचर्स जो कि किसी एक कार में हैं बट दूसरी कार में नहीं हैं, तो स्विफ्ट VXI के यूनिक फीचर्स हैं ब्रेक असिस्ट,
ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी, LED टेल लाइट्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर। मैगनाइट एक्सेल के यूनिक फीचर्स हैं, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, 2 केबिन लैंप्स स्विफ्ट में जबकि 1 केबिन लैंप ही है, और 6 स्पीकर्स जबकि स्विफ्ट में 4 स्पीकर्स ही हैं। फ्री कंपनी वारंटी की बात करें तो स्विफ्ट के लिए 2 साल और 40,000 किलोमीटर और मैगनाइट के लिए 2 साल और 50,000 किलोमीटर की फ्री कंपनी वारंटी मिलती है। कार के अवेलेबल कलर्स की बात करें तो स्विफ्ट VXI इन 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। पर्ल मेटेलिक मिडनाइट ब्लू, मेटेलिक मेगमा ग्रे, मेटेलिक सिल्की सिल्वर, पर्ल आर्टिक वाइट, पर्ल मेटेलिक ल्यूसेंट ऑरेंज एंड सॉलिड फायर रेड। लेकिन मैगनाइट एक्सेल में ओनली 3 कलर ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं, जो कि हैं सैंड स्टोन ब्राउन, ब्लेड सिल्वर और स्टोम वाइट। लुक्स की बात करें तो देखने में हमें ये दोनों कार्स काफ़ी अच्छी लगी और इन दोनों कार्स को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन निसान मैगनाइट अपनी कॉम्पैक्ट SUV वाली शेप के कारण थोड़ी सी ज़्यादा बल्की लगती है और हो सकता है लोगों को वो देखने में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगे। यहाँ एक चीज़ और भी है कि मारुति ने न्यू स्विफ्ट 21 को लॉन्च किया था तो उसके डिज़ाइन एलिमेंट में काफ़ी मिनिमम चेंजेस किए गए हैं। ओनली फ्रंट में कुछ चेंजेस हैं, वो भी 1-2 ही। बट यहाँ निसान मैगनाइट में भी एक छोटी सी कमी है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैगनाइट के XL वेरिएंट में ओनली 3 कलर ऑप्शंस ही मिलते हैं, ब्राउन, सिल्वर एंड वाइट। तो हो सकता है अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर लेना चाह रहे हैं और जो कि मैगनाइट के XL वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, तो लुक्स में आपको मैगनाइट उतनी अच्छी ना लगे, प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सी कार ज़्यादा बेटर है लुक्स में। तो आइए कार लवर्स, अब इस कंपैरिजन वीडियो को कंक्लूड करते हैं और हमारे कंपैरिजन के मेजर पॉइंट्स को जल्दी से समरी में समझ लेते हैं। इंजन की सबसे देखें तो स्विफ्ट का इंजन ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी का होने के कारण ज़्यादा बेटर पावर और टॉर्क जनरेट करता है और साथ ही माइलेज के हिसाब से भी वो 4.45 KMPL एक्स्ट्रा माइलेज क्लेम करता है मैगनाइट के कंपैरिजन में। मैगनाइट डाइमेंशंस में ज़्यादा बड़ी होने के कारण ज़्यादा अच्छा स्पेस ऑफर करती है अपने पैसेंजर्स को और ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस भी ऑफर करती है, और साथ ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी 42 mm ज़्यादा है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। फीचर्स के हिसाब से देखें तो स्विफ्ट VXI और मैगनाइट XL में डेली रूटीन में आने वाले ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम के फीचर्स मिल जाते हैं, बाकी थोड़े फीचर्स मैगनाइट में ज़्यादा हैं। सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से मैगनाइट 4-star की अच्छी रेटिंग प्रोवाइड करती है जबकि स्विफ्ट 2-star की वीक सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। तो लास्ट में एक बार फाइनली वो देख लेते हैं कि कौन से कार वायर्स को मैगनाइट प्रेफर करनी चाहिए और कौन से कार वायर्स को स्विफ्ट। तो अगर आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा बड़ा केबिन स्पेस या बूट स्पेस या हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है और साथ में जो ज़्यादा अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, तो आपको मैगनाइट प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे इंजन परफॉर्मेंस वाली पावरफुल कार लेने का सोच रहे हैं या फिर आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपकी प्रायोरिटी माइलेज और कार की रीसेल वैल्यू है, तो आपको ऐसे केसेस में स्विफ्ट को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें स्विफ्ट के साथ ज़्यादा अच्छी है। तो कार लवर्स, कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपका समय देने के लिए धन्यवाद।